सुबह के समय परमेश्वर के सन्निधि में एक और बार मिल के आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के कलीसिया के बारे में हम लोग सीख के आ रहे थे, आज भी वही चीज़ों को ही याद करके जाएंगे, परमेश्वर के कलीसिया के बारे में, उसके कलीसिया को परमेश्वर किस तरीके से इस धरती पर स्थापना किए हैं, कलीसिया को किस रीति से परमेश्वर बना के रखे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज के मनन के लिए पहली कुरिन्थियों का किताब 3रा अध्याय उसका 6 से लेकर 9वां वचन तक। पहली कुरिन्थिया 3रा अध्याय 6, 7, 8, 9। द फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 6, 7, 8, 9। अमेन। अमेन। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कलीसिया की बनावट के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो आज मैं जो बोलने वाला चाहता हूँ, बोलने वाले का विषय सब्जेक्ट यह है कि कलीसिया का नामीकरण उदाहरण के बेसिस पर, नहीं तो कलीसिया का नाम का प्रयोग एक उदाहरण के आधारित के वास्ते कैसे बाइबल में कम से कम 20 उदाहरण के बारे में लिया गया है, उनको हम कलीसिया के नाम के हिसाब से हम बोल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कलीसिया का नामीकरण एक उदाहरण के द्वारा परमेश्वर बता रहे हैं, कम से कम 20 उदाहरण हैं बाइबल में। तो यहां पे बताया गया अनुभव में हम लोग देख सकते हैं प्लांटेशन, चर्च एक प्लांटेशन है। उसकी नवी वचन एक बार पढ़ो, 9। खेती खेती प्लांटेशन, बस बस बस, खेती प्लांटेशन, प्लांटेशन खेती, वो नाम एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। उदाहरण समझते हो, मैंने एक चीज को समझाने के लिए एक एक दूसरी एक चीज को उपयोग करना, इसीलिए कलीसिया को समझाने के लिए वहां पे क्या बताया गया है, खेती फार्म प्लांटेशन। मेरे साथ में हो? वो सब कलीसिया का नाम का एक प्रयोग है, इसलिए अगर हम लोग देख सकते हैं कलीसिया को प्लांटेशन अगर बोलते हैं तो वहां पे लगाने वाला कोई रहना चाहिए, पानी देने वाला कोई रहना चाहिए, और उसको बढ़ाने वाला एक व्यक्ति कोई और रहना चाहिए। इसलिए उसकी 6वां वचन में हम लोग देख सकते हैं पौलुस यहां पे क्या बता रहे हैं, देखो किसने लगाया, पाउलस ने लगाया। हेलो 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 हेलो, परमेश्वर की खेत है कलीसिया, किसकी खेत है, परमेश्वर की खेत है, हमारी नहीं। हेलो, परमेश्वर की खेत है, उसमें किसने लगाया, पाउलस ने लगाया, नहीं तो पाउलस ने सुसमाचार बोलकर लोगों को अंदर क्या किया, वो बीज बोना, फिर अपोलोस ने क्या किया, पानी दिया, हाँ या ना। मगर बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है, परमेश्वर है। हेलो, द पर्सन हु मेक्स टू ग्रो द चर्च इज गॉड। अपोलोस ने पानी दिया, वेरी गुड, पौलुस ने बीज लगाया, और भी अच्छा, मगर परमेश्वर क्या कराते हैं, बढ़ाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की कलीसिया का पहला नाम जो उदाहरण के बेसिस में ले सकते हैं वो परमेश्वर का खेत, प्लांटेशन ऑफ गॉड। इसीलिए प्लांटेशन में, खेत में क्या होता है, पहले चीज होती है किसी को कोई उसमें क्या करना चाहिए, बीज बोना चाहिए। देयर शुड बी ए पर्सन हु शुड सो, देयर शुड बी ए पर्सन हु शुड वाटर, उसमें एक व्यक्ति रहना चाहिए जो पानी देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो विश्वासी लोग हैं वो लोग क्या हैं, पेड़ पौधे हैं। हेलो, प्लांटेशन में क्या रहते हैं, पेड़ पौधे ही रहते हैं, उसमें ही जान रहता है। तो विश्वासी उस तरीके से होते हैं, उनके अंदर जान रहती है। इसीलिए कलीसिया को क्या कहा गया है, खेत कहा गया है। अगर कलीसिया को खेत कहा गया है तो कलीसिया के अंदर के विश्वासी लोगों को क्या, पेड़ पौधे, नहीं तो जीवती जीवन वाला, जीवन प्राप्त वाला क्या है, पेड़ पौधाएं।
जो कि बीज के द्वारा बोनकर बड़ी हुआ चीज, उसको हम विश्वासी कह सकते हैं। इसलिए एक बगीचे के अंदर, एक खेत के अंदर विभिन्न रीति के पेड़ होते हैं। हेलो, एक रीति के पेड़ नहीं, विभिन्न जाति के, विभिन्न रीति के, विभिन्न रूप के, विभिन्न फलों के, विभिन्न अनुभवों का पेड़ पौधे हैं। सब में एक जैसा फल नहीं मिलेगा। हेलो, मैं आम के पेड़ में जाकर नारियल पूछने से नहीं मिलेगा, नारियल के पेड़ में जाकर इमली पूछने से नहीं मिलेगा। हेलो, मेरे साथ में हो? बहुत सारे लोगों का इच्छा ऐसी है, परमेश्वर मेरे कलीसिया में इमली का पेड़ दे दो, मगर आएगा कौन? आम। ऐसा नहीं है, इमली इमली ही देगा, आम आम ही देगा, जामुन जामुन ही देगा। जो पेड़ है वो ही पेड़ का फल देगा। इसीलिए बगीचे के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, मगर पेड़ 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 कैसा बढ़ा, ताकि कोई किसी ने क्या किया, बीज बोया। तो कलीसिया के अंदर पासवान की काम क्या है, विश्वासियों का काम क्या है, बीज बोना, सीड डालना। सीड डालना ही नहीं, सीड डालने के बाद वो बीज उगकर आने पर उसको क्या करना चाहिए, पानी देने वाला जरूरी चाहिए। हेलो, इसीलिए कलीसिया के अंदर सब विश्वासियों का सेवकाई ऐसा एक जैसा नहीं है, सब पासवान लोगों का सेवकाई एक जैसा नहीं है, सब अभिषिक्त लोगों का सेवकाई एक जैसा नहीं है। सबको परमेश्वर भिन्न भिन्न रीति से सेवकाई दिए हैं। पौलुस की सेवकाई क्या है, बीज बो कर जाना। इसीलिए जहां कहीं भी वो जाते थे बहुत दिन रुकते नहीं थे, 2 साल 3 साल 6 महीने 2 महीना 1 हफ्ता 3 हफ्ता, बस उस हफ्ते के अंदर वो बीज बो कर निकल जाते थे। इसलिए बाइबल में कहता है, मत्ती लिखित सुसमाचार में कहता है क्या, परमेश्वर के राज्य उस व्यक्ति के समान है जो क्या करता है, खेत में वो बीज बोने वाला व्यक्ति है। इसीलिए यीशु मसीह भी क्या किए, स्वर्ग राज्य का बीज बोकर जा चुके हैं। भविष्यवक्ताओं ने क्या किया, बीज बोकर जा चुका है। इसीलिए कलीसिया का पहला उदाहरण जो नाम के हिसाब से हम लिख सकते हैं, वो है परमेश्वर का खेत, परमेश्वर का बगीचा, नहीं तो परमेश्वर का प्लांटेशन, नहीं तो परमेश्वर का क्या बोलते हैं, हस्बेंड्री, नहीं तो परमेश्वर का फार्म। उस फार्म में क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री करने वाले लोग जरूरी चाहिए। इसलिए पौलुस का सेवका यहां पे क्या है, बीज बोकर जाना। इसलिए बीज बोना है तो किसमें, वो बीज कौन है, विश्वासी लोग हैं। वो विश्वासी लोग क्या करना चाहिए, बोया हुआ बीज बढ़कर आना चाहिए। हेलो, उग कर आना चाहिए। उसके लिए हमें अवसर खोल के देना चाहिए। खेत में ऐसे ही बीज बो डालने से मिलेगा नहीं, खेत में ऐसे ही हम लोग बीज डालने से कभी भी उगेगा नहीं। उसके लिए क्या करना चाहिए, खेत को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। खेत में पड़ा हुआ पत्थरें, ईटाएं, अजरूरत वाले चीजें जो कि क्या करता है, उस खेत का श्रेष्ठता को खींच लेता है, उन सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसीलिए सेवकाई जो बीज बोता है उसका सेवकाई से पहले क्या, किसकी जरूरत है, खेत की शुद्धिकरण की जरूरत है, खेत की परिष्कृति की जरूरत है, खेत को अच्छी तरीके से परीक्षा लेने की जरूरत है, कि खेत की एक एक जगह का निशाने को क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से क्लियर करना जरूरी है। जब क्लियर करेंगे तब अगर जाकर हम लोग बीज बोएंगे तो नियुक्त रीति से क्या करेगा, बीज बोकर उठकर आएगा। हो सकता है 20 दिन तक वो बीज मिट्टी के अंदर होगा, मगर 21वां दिन वो उगकर बाहर के आएगा। क्यों जानते हो, परमेश्वर के सेवक का परिश्रम व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के दासों का परिश्रम व्यर्थ नहीं है। नहीं तो जो परिष्कृति करके काम किया है उसका काम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो प्लांटेशन परमेश्वर का है। और उगने वाला नहीं तो बोने वाला, बो करने वाला, वो बीज को डालने वाला व्यक्ति कौन है, खुद परमेश्वर के सेवक लोग हैं। उनका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है, मेरी वचन क्या है, शक्ति युक्त वाला है, हथौड़े के समान है। वो परमेश्वर का वचन जाएगा, लाभदायक बन के ही वापस आएगा। प्रेज द लॉर्ड।
कभी भी बिन फायदे परमेश्वर के वचन जाएगा नहीं, वो लाभदायक बन के ही वापस आएगा। हो सकता है साले लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, दिने लग सकते हैं, मगर एक चीज मैं आज परमेश्वर के वचन से बोल सकता हूँ, जो बीज तुमने बोया है वो बीज उग कर आएगा, आएगा, आएगा। अगर तुम उस जमीन का परिष्कृति ली हो, अगर उस जमीन का शुद्धि ली हो, अगर उस जमीन को शुद्धिकरण की हो, अगर उस जमीन पर तेरी आंसू गिरी है, अगर उस जमीन पर तेरे शरीर का क्या क्या बोलते पसीना गिरा है, अगर तेरा परिश्रम का कुछ भी उधर खिचल के गिरा है, नियुक्त रीति से उस जमीन में है, उस फार्म में, उस प्लांटेशन में, उस जगह में तेरे तेरे लिए परमेश्वर चमत्कारी कार्य करेंगे। वो है मेरा परमेश्वर का श्रेष्ठता। परमेश्वर किसी की भी व्यक्ति का परिश्रम को तुच्छ मानने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए पौलुस ने क्या किया, इस जगह में जाकर बीज बोकर निकल गया, मगर परमेश्वर उसका परिश्रम को याद किए। इसलिए आज सुबह मैं बोलता, जो भी चीज में तुम परिश्रम कर रहे हो, उस परिश्रम को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उगवाने के लिए शक्ति सामर्थ्य यीशु मसीह के हाथ में है। वो शक्तिवान परमेश्वर है, उनके सेवक हैं हम, उनके विश्वासी हैं हम, उनके ऊपर आश्रयवान लोग हैं हम। वो परमेश्वर कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। हमारा परिश्रम का नियुक्त जवाब एक दिन उपलब्ध होगा। इसलिए पौलुस यहां क्या कहता है, मैंने बोकर गया। पौलुस बोने से पहले, बीज बोने से पहले क्या किया, उस जमीन का कितना परिश्रम किया होगा। हेलो, कलीसिया फार्म बनना है तो किसी की परिश्रम की जरूरत है। हेलो, अनलेस देर इज ए पर्सन हु डेडिकेट्स हिट्स टाइम वैल्यू एनर्जी अपॉन ए प्लांटेशन, अगर एक व्यक्ति अपना समय, अपना आरोग्य, अपना बल, अपना शक्ति सामर्थ्य एक जमीन के ऊपर प्रयोगशाली रीति में डालेगा, नियुक्त रीति से, मैं अगर कुछ भी बोएगा ना, कुछ भी बीज डालेगा ना, वो कुछ ना कुछ दिनों के बाद उग कर बाहर का आएगा। इसलिए पौलुस यहां धैर्य के साथ बोल रहा है, मैंने क्या किया, बीज बोकर गया। हेलो, आई प्लांटेड, मैंने बीज बोया। हेलो, मेरे साथ में हो। इसलिए हमें परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बीज बोने के लिए बुला रहे हैं। जो बीज तुम्हारे हाथ में, परमेश्वर की वचन बीज है, बो सो करो। परमेश्वर का वचन ऐसे ही आलतू फालतू बोना नहीं, बोलने से पहले जगह की शुद्धिकरण करने की जरूरत है। हेलो, जगह की परिष्कृति करना जरूरी थी। इसलिए पौलुस बहुत दिन तक क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। प्रार्थना में हमारा परिश्रम की जरूरत है, प्रार्थना विनती निवेदन में हमारा परिश्रम जरूरत है। क्यों, वही एक चीज है हमारे क्या करते हैं, जिस जगह में हम क्या कर रहे हैं, बीज बोने वाले हैं, वो जगह को हम शुद्धिकरण में ला सकते हैं। हेलो, मेरे साथ में हो। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, मैं क्या किया, बीज बोकर गया। बीज बोना ही नहीं, वो बीज क्या किया, मिट्टी में गिरा और एक दिन उग कर बाहर आया। एक दिन उग कर बाहर आया, को किसी ने भी उसको रोक नहीं रख सका। बाइबल में कहता है कि उदाहरण, एक व्यक्ति बीज बोने के लिए गया, वो बीज कहां कहां गिरा, कितने तो पत्थरी जमीन पर गिर गया, कितने तो कांटों के बीच में गिर गया, कितने तो रास्ते पे गिर गया, कितने तो कहां गिरा, असली मिट्टी में गिरा। अरे, तेरी बोझ पत्थरों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, तेरी बीज कांटों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, तेरी बीज पर रास्ते पे नहीं गिरना चाहिए, तेरा बीज बहुत बहुत क्या है, वैल्यूबल है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ए वैल्यूबल सीड। सो इट इन द राइट प्लेस, सही जगह पर ही उसको क्या करना। अरे, बीज गोदरेज के अंदर रखने से कोई प्रॉब्लम, उग कर नहीं आएगा। बीज प्लांटेशन की सिक्योरिटी सिस्टम में लेकर रखने से उग कर नहीं आएगा। उसको जमीन चाहिए, जमीन की महक चाहिए, परिश्रम की पहचान चाहिए, नहीं तो क्या बोलते हैं, पसीना का छू, पानी का नमी हो मेरे साथ, वो चाहिए पेड़ उगने के लिए।
बीज झुकने के लिए, तेरी परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तेरी आंसू व्यर्थ नहीं है, तेरी प्रार्थना निवेदना व्यर्थ नहीं है। वो एक दिन चीजों को जीवन दिलाएगा। मरे चे, अरे बीज ऐसा एक चीज है, मरा हुआ एक चीज है, हया ना, मगर पानी की महक लगते ही बीज के अंदर एक रिवाइवल आना शुरू होता है। समझे नहीं? अरे इतना दिन उसको सिक्योरिटी सिस्टम में डिब्बे के अंदर, पैकेट के अंदर मार के रख दिए, सब सोच के ये मर गया, मगर एक पासवान को ही मालूम है, एक परमेश्वर के विश्वासी को ही मालूम है, एक परमेश्वर के वचन के आधारित होने वाला व्यक्ति को ही मालूम है, वो बीज मरा नहीं है, वो जिंदा है। उस बीज को जिंदा करने के लिए तेरा परिश्रम की जरूरत है, तेरी पसीने की जरूरत है, तेरी आंसू की जरूरत है, तेरी हाथों की जरूरत है, तेरी सेवकाई की जरूरत है। मेरे साथ में हो? अगर हमारा हमारा हाथ उस बीज के ऊपर गिरेगा, उस जमीन के ऊपर गिरेगा, मैं आज एक चीज भविष्यवाणी में मैं बोल सकता हूं, अगर तेरा परिश्रम कुछ भी चीज पर हाथ लगा है, अगर तेरा परिश्रम मिट्टी पर लगा है, अगर तेरा परिश्रम जो भी जगह पर तूने शुद्धिकरण के लिए काम किया है, मैं बोल सकता हूं 100 गुना उग कर आ सकता है, 100%। इसलिए बीज बोने से पहले जमीन की अच्छी परीक्षा लो। जमीन पत्थरों से भरा है क्या? जमीन कांटों से भरा है क्या? जमीन लोग चलने वाला रास्ता है क्या? हेलो, मेरे साथ में हो? इसीलिए कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले जमीन का क्या करेगा? हल चलाएगा। क्यों हल चलाता है? हल चलाने का कारण क्या है? हल चलाने का कारण यह है कि उस हल चलाने के द्वारा कुछ भी अशुद्धि वाला चीज उस जमीन के अंदर है, वो क्या हो सकता है? ऊपरी हिस्सों में आकर अलग हो सकता है। और यह हल चलाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति उस जमीन के अंदर नहीं चलने के हिसाब से चारों जगह पर क्या करेगा? जमीन को उठा के रखेगा ताकि लोगों को चलने के लिए। मेरे साथ में हो? अरे कहीं भी तेरे को कुछ उगाना है, उस जगह की परिष्कृति करना जरूरी है। उस जगह में तेरे को रास्ता लोगों के लिए चलने के लिए बना के रखना चाहिए। उस जमीन के अंदर जो भी कांटे की पेड़ है, जो भी कांटेदायक कुछ भी है, उसको हटा देना चाहिए, जला देना चाहिए। कुछ भी पत्थर है उसको निकाल फेंक देना चाहिए। फिर तेरा परिश्रम उस जमीन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। फिर बीज बो के देख फल आएगा कि नहीं। बहुत सारे लोग है पत्थरी जमीन पर जाते हैं, बीज बोते हैं, प्रार्थना नहीं, विनती नहीं, कुछ नहीं, बीज बो के निकल जाते हैं। अरे बीज उग के आता है, पानी की नमी के द्वारा उग के आता है, मगर पत्थर उसको क्या कर देता है? दबा देता है। कांटे उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। रास्ते पर गिरने पर क्या होता है? शैतान आकर उठा के ले जाता है। मगर अच्छी जगह पर गिरने से कोई भी उसके अंदर आकर उसको उठा के नहीं ले जाएगा। इसलिए पौलुस धैर्य के साथ बोल रहा है, मेरी सेवकाई मुझे मालूम है। इसलिए आज मैं एक चीज बोल रहा हूं, पहले तेरे को तेरी सेवकाई क्या है वो तेरे को मालूम करना चाहिए। वो सेवकाई मालूम करने के बाद ही तेरा परिश्रम का फल तू देख सकता है। विदाउट नोइंग योर मिनिस्ट्री, विदाउट नोइंग योर रियल मिनिस्ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू कैन नॉट प्लांट एनीथिंग। हेलो, अपनी सेवकाई ना जानकर तुम बीज नहीं बो सकते। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है? मैंने बीज बोया, फिर क्या कहता है? अपल्लोस ने पानी दिया। हेलो हेलो हेलो, बीज बोना एक दिन की काम है। मेरे साथ में हो? बीज बोना एक दिन का काम है, मगर पानी देना एक दिन का काम नहीं है। हेलो, बीज बोने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर आज कलीसिया को पानी देने वाला जरूरी है। हेलो, पानी देने वाला जरूरी है। मेरे साथ में हो?
पानी देने वाला जरूरी है, बीज बोने वाला जरूरी है नहीं बोल रहा। अगर बीज बोल कर गया है किसी की परिश्रम बीज बुनवाने के लिए, सब कुछ सटीक करके बीज बोकर चले गए, अरे कैसे पता चलेगा कि बीज यहां पे उगा है? तो पौलुस क्या किया, अरे बीज डालने के बाद तुरंत पानी डाल देगा क्या? तुरंत पानी नहीं, धीरे धीरे उसको पानी की सिंचन की जरूरत है। जोरों का पानी देने से क्या हो जाएगा, रुकावट बन जाएगा, हेलो, उगना रुक जाएगा। मेरे साथ में हो, पेड़ पौधे उग कर आना रुक जाए, इसलिए धीरे धीरे पानी की सिंचन देना चाहिए। धीरे धीरे पानी सिंचन देने के बाद जब वो उग के आया, उग के आने के बाद पौलुस ने किसको दे दिया, कलीसिया को किसके हाथ में दे दिया, अपल्लोस के हाथ में दे दिया। अब अपल्लोस का काम बन गया क्या, हर दिन पानी देना, हेलो पानी देना, पानी देना, जरूरतमंद हिसाब से पानी दो। अधिक पानी देने से पेड़ मर जाएगा, जितना जरूरी है उतना पानी दो। उससे अधिक अगर पानी देंगे, प्लांटेशन पूरा कचड़ा, कबाड़ा, ट्रैश, द प्लांटेशन गोस ट्रैश इफ वाटर क्वांटिटी इज बीन पोर्ड हेवी। हो मेरे साथ, इसीलिए अपोलोस का काम क्या है, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर पानी लेना जाके डालना, पानी लेना लेके डालना, पानी लेना लेके डालना। अरे जो पानी डालता है पहले उसको क्या करना चाहिए, भीगना चाहिए। तू पवित्र आत्मा में भरेगा नहीं, बाकी लोगों को भरवा के क्या काम। तू प्रार्थना करेगा नहीं, बाकी लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलने से क्या काम। तू परमेश्वर के लिए ले देगा नहीं, लेगा नहीं, तो तू बाकी लोगों को कैसे बोल सकता है, तू परमेश्वर के लिए दे ले। साथ में हो, पानी देना मतलब तू बाइबल पढ़ेगा नहीं, बाकी लोगों को बाइबल पढ़ कैसे बोल सकता है। तू जब आत्मिक रीति से बढ़ोतरी नहीं पाएगा, बाकी लोगों को कैसे बोल सकता है तू आत्मिक रीति से बढ़ नहीं। अरे पानी देने वाला पहले पानी लेकर क्या करना चाहिए, अपने आप पानी से गीला होना है। हो मेरे साथ, मेरे साथ में हो, अपने आप को गीला होना जरूरी है। अगर गीला नहीं होंगे तो पेड़ कभी गीले नहीं होंगे। साथ में हो, इसीलिए अपोलोस का सेवकाई क्या है, एक दिन नहीं हर दिन पानी देना। पानी देने वाला व्यक्ति कैसा पानी देते होगा, प्रभु ये पेड़ उग के आना चाहिए, ये पेड़ को जितना जरूरी है उतना ही क्या करना चाहिए, पानी की स्रोता उसको लगनी चाहिए। उस रीति से एक प्रार्थना, विनती, रोना, हेलो, हो मेरे साथ। इसलिए यहां पे बताया गया क्या, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया गया, बीज बोल दिया गया। परमेश्वर की वचन ही क्या कर रहे हैं, पानी के हिसाब दे रहे हैं। कलीसिया को क्या चाहिए, पवित्र आत्मा की भर्ती, परमेश्वर की वचन की गहराइयां, ये सब जरूरी है पेड़ को क्या करने के लिए, पानी देने के लिए, सिंचन देने के लिए। अगर पानी नहीं देंगे क्या होगा, बोले नहीं, अगर पानी देंगे नहीं क्या होगा, उस पेड़ नष्ट हो जाएगा, हेलो, उस पेड़ का परिस्थिति क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, वो पेड़ कुछ भी कामदायक नहीं बनेगा। मगर आज पवित्र आत्मा एक चीज याद दिला रहे हैं, किसी भी पेड़ को मत मारो, जितनी जरूरत है उतनी हिसाब से पानी देना शुरू करो। वो पानी देने का हिस्सा किसने किया, अपोलोस ने किया। अपोलोस अपना सेवकाई बहुत अच्छी तरीके से किया, वो परमेश्वर की वचन पानी के हिसाब से बह कर देना शुरू किया। अपोलोस के बारे में बाइबल क्या कहता है जानते हो ना, वो एक अच्छा प्रचारक था, वो अच्छे रीति से प्रचार करके लोगों को क्या करता था, फल पूर्ण रीति से बढ़ाता था। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करना चाहिए, प्लांटेशन को पानी देना चाहिए। रेंडर द वर्ड ऑफ गॉड एंड वाटर द प्लांटेशन, परमेश्वर की खेत को क्या करना चाहिए, सिंचन, सिंचन देना चाहिए। खेत में काम करना एक दिन की काम नहीं है, परिश्रम है, परिश्रम। धीरजता का निशानी रहना चाहिए, कहाँ
खेत में काम करते वक्त, खेत में जो लोग काम किए उनको जाके एक बार पूछो, हे भैया आपको मालूम है क्या कब बारिश गिरेगा? तो भी किस विश्वास से तुम खेती कर रहे हो? तो वो क्या जवाब देगा? मुझे मालूम नहीं बारिश कब गिरेगा, मगर एक चीज़ मुझे मालूम है, बारिश गिरा या ना गिरा मुझे वो लेन देन नहीं, मगर मैं क्या करूँगा, मेरे खेत को मैं सिंचन करूँगा, क्योंकि खेत मेरे हैं, मेरे को फल की ज़रूरत है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो कुछ भी है, कुएँ हैं, नाले हैं, नदी है, नहीं तो बोरवेल है, जहाँ कुछ जो कुछ भी है उससे मैं क्या करूँगा, पानी की सिंचन थोड़ी मात्रा में दूंगा, मगर एक दिन उपयुक्त रीति से बारिश आएगा, एक दिन की बारिश नहीं दिनों तक चलने वाली बारिशें आएगी, उस बारिश आते वक्त क्या खेत में करने वाला घर में अच्छी तरीके से सोएगा नहीं, सोएगा खेत में पेड़ पौधे लाकर डालकर, हाँ बारिश गिर रहा है, ओ पानी के तो ऐसा जबरदस्त गिर रहा है, हालेलुया, नो प्रॉब्लम, मैं सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, नो, बारिश गिरने से पहले ही ये खेत में आ जाता है, कौन ओ व्यक्ति, क्यों? ताकि उसको मालूम है खेत में बहुत बहुमूल्य चीजें लगाया गया है, उग कर आया है, उसको अधिक मात्रा से पानी मिल गया तो वो मर सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, पानी जाने के लिए आउटलेट खोल के रखता है। हेलो, अपोलोस की सेवकाई देखे, अब भजन संहिता 1:6 सैम्स 1:6 भजन संहिता 1:6 क्या कहा गया वहां पे, सैम्स 1:6 हेलो क्या बताया गया वहां पे, माफ करना, सॉरी 1:3:3 माफ करना, 1:3 वह कौन है, उसके दूसरे वचन कहता है वो कौन है जो कि परमेश्वर के व्यवस्था का क्या करता है, उसका दूसरा वचन में क्या कहा गया, किसके बारे में बताया गया, दान करता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है। हेलो, वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर के व्यवस्था के ऊपर आधारित है, जो परमेश्वर के टीचिंग को, जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, जो परमेश्वर की इच्छाओं को मेडिटेट करता है, दिन रात ध्यान करता है, उसके ऊपर चलने का कोशिश करता है, वो किस तरीके से है, एक पेड़ के समान है, एक प्लांटेड पेड़ के समान है, वो पेड़ को किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, है ना, तो ये पेड़ कहाँ पे है, नदी नाले के निकट है, नाले के निकट है, तो सोच लो ये प्लांटेशन कहाँ पे है, किसी नाले के करीब है। हेलो, पानी अगर पेड़ को मिल गया तो क्या कहो, क्या होगा, पानी अगर पेड़ को मिल गया, उसकी जरूरत रीति से मिल गया तो पेड़ के अंदर जान आ सकती है, लाइफ, द मोमेंट ए प्लांट रिसीव्स वाटर इट रिसीव्स रिवाइवल। वो मेरे साथ, इसीलिए यहां पे क्या बताया गया, नाली के निकट वो पेड़ कैसे बन जाता है, मजबूत बन जाता है, फिर क्या कर रहा है, उसके सीजन में फल देना शुरू करता है। अरे फल देने के लिए एक सीजन है, कितने पेड़ तो 365 डेज फल देते हैं, कितने पेड़ सीजनली फल देते हैं, कितने पेड़ सालों में एक बार, कितने पेड़ महीनों में एक बार, कितने पेड़ दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, ऐसे विभिन्न रीति से पेड़ों की सामर्थ्य के हिसाब से मिलता है फल। हेलो, मगर इधर क्या गया है, इसके तीसरी वचन में जो नाले के निकट जो पेड़ है उसकी डाली कभी भी क्या नहीं होती, सूखती नहीं, नेवर
द लीफ डस विदर. हेलो, कभी भी सूखता नहीं. पत्ते सूखते हैं मतलब क्या? पानी जरूरत रीति से मिलता नहीं. इसलिए ना बारिश के सीजन में कोई भी पेड़ का पत्ता बहुत गिरते हुए देख नहीं सकते, हरा भरा रहेगा. देखे हो मेरे साथ. और वसंत ऋतु के समय में कभी भी पेड़ पौधा क्या नहीं होगा, सूखा सूखा दिखाई नहीं देगा. देखे हो क्यों? पानी की नमी, पानी की महसूस, पानी की रिवाइवल, उसको मिलते ही जीवन आना शुरू हो जाता है. इसलिए इधर क्या कहता है, जब एक व्यक्ति को पानी की सिंचन मिलती है, परमेश्वर की वचन की पानी, पवित्र आत्मा की पानी, हेलो, वो सूखेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, उग कर आएगा, फलवान बनेगा. और उसके बाद आखिरी में क्या बोलता है, बट इन वॉट एवर ही डस ही प्रॉस्पर्स. वो व्यक्ति को क्या, उन्नति पाएगा. हेलो, मेरे बाइबल में लिखा क्या जानते हो ना, ही कम्स इन टू मैच्यूरिटी. हेलो, उग कर मैच्यूरिटी में आएगा. अच्छी पानी मिली तो मैच्योरिटी आएगा. हेलो, इसलिए परमेश्वर के वचन क्या कहा है, नाले के समान, पवित्र आत्मा नाले के समान बहना चाहिए. इसलिए एसेकेल क्या कहता है, मैं देखा कि परमेश्वर के मंदिर से क्या किया, एक झरना बहते हुए आकर मैं देखा. वो झरना कहां तक पहुंचा, मेरे पांव के कील तक पहुंचा. और थोड़े देर के बाद देखा वो पानी की नमी और अधिक अधिक ऊपर आना चाहिए, वो मेरी घुटनों तक आ गया. वो घुटनों के तक आकर रुका नहीं, वो मेरे का कमर तक आ गया. कमर तक आकर रुका नहीं, वो मुझे क्या कर दिया, मुझे डुबा कर रख दिया. उतना ही नहीं, मेरे को पूरी तरीके से डुबा दिया, ताकि मैं वो उस पानी के बहाव के हिसाब से जाने तक परमेश्वर का आत्मा क्या किया, पानी के समान बह कर आया. हेलो, मेरे साथ में हो? बहुत लोगों को पवित्र आत्मा घुटनों तो काफी है. चर्च में आएंगे, दो थाली मारेंगे, हालेलुया, बस दो अन्य भाषा बोलेंगे, हालेलुया, स्टॉप. घुटनों तक ही है, पांव तले खाली, वही जहां चर्च में आएंगे तभी पवित्र, बाकी सब दारू वारू सब पियेंगे, फालतू फालतू काम सब करेंगे. अरे वो घुटनों के अनुभव है. ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया पवित्र आत्मा को पाकर ही ग्रहण किया. हां सच्चे भाई, वो बस एक सिंचन है, उससे तेरी विश्वास जीवन को बढ़ोतरी करने के लिए मत देख, उससे अधिक वाली सिंचन में डूब. हेलो, खाली यीशु मसीह मेरा प्रभु बोलने के लिए जितना पवित्र आत्मा मिले है, उसी पवित्र आत्मा से पूरी जिंदगी जीने की कोशिश मत कर, मरेगा तू, तेरा फलपूर्ण अवस्था क्या हो जाएगा, गिर भी रख जाएगा, बंद हो जाएगा. इसलिए तेरे को क्या चाहिए, पानी की सिंचन अधिक अधिक चाहिए. जैसा पेड़ बढ़ता है वैसा पानी की मात्रा अधिक अधिक लेना शुरू करता है. हेलो, कभी भी बैंबू देखो, बैंबू 30 फुट ऊपर तक जाएगा. उसके अंदर उसकी डाली काट के देखो, पानी मिलेगा. पानी देखो, पानी की स्रोता 30 फुट तक ऊंचाई तक उठा के लेके गया. अरे आज एक चीज मैं बोलना चाहूं, तेरा आत्मिक मैच्योरिटी के हिसाब से तेरे को पवित्र आत्मा में भरना भी पड़ेगा. तेरे आत्मिक मैच्योरिटी के हिसाब से तेरे को परमेश्वर के वचन में भी बढ़ना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में भी बढ़ना पड़ेगा, विश्वास में भी बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ना पड़ेगा, और क्या करना चाहिए, प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा. सब चीजों में एक ही जैसा ही बढ़ावट आना जरूरी है.
इसलिए पवित्र आत्मा घुटनों तक नहीं, को पवित्र आत्मा कमर तक नहीं, पवित्र आत्मा पूरी तरीके से तेरे को बपतिस्मा देते हिस्से के हिसाब से तेरे को उतरना पड़ेगा। कितने कितने कलीसियाओं में जाएंगे तो वो लोग पवित्र आत्मा खाली घुटनों तक की तेरे को देंगे, दो गाना गा देंगे, हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोल देंगे, घुटनों तक की तेरे को लेकर रहेंगे और लोग भी तृप्त हैं घुटने तक। आज चर्च गया, अच्छा था, हाँ सुपर था पास्टर जी, आराधना बहुत अच्छा मस्त, हमारा वर्शिप लीडर, हाँ ये वाला प्रयोग एक बार मेरे को बोलना जरूरी है, बाइबल में ऐसा एक प्रयोग है ही नहीं, वर्शिप लीडर। वर्शिप कहां पे है, आराधना कहां पे है? आराधना को कोई लीड नहीं कर सकता। अरे एक व्यक्ति के जीवन में आराधना कहां पे होती है, हृदय के अंदर होती है, बाहर वाला हिस्सा नहीं। हृदय के अंदर आराधना होना है तो तेरे को चाकू लेके हृदय को काटना है अगर तू वर्शिप लीड कर रहा है। मैं डॉक्टर हूं, हार्ट का डॉक्टर हूं, बाहर से देखूंगा बोलने से होगा क्या? नहीं। एक हार्ट डॉक्टर क्या करेगा, हार्ट में कुछ भी डिफेक्ट है तो उसके अंदर जाकर उसका परीक्षा लेकर शरीर का सब ठीक करके आएगा। अगर वर्शिप लीडर बोल के जो भी आते हैं वो वर्शिप लीड कभी नहीं कर सकते। वर्शिप सबका कहां पे होता है, हृदय के अंदर। तो ये व्यक्ति बाहर का बाहर खड़े होकर माइक पकड़ कर छलांग लगाकर इधर उधर कूद कर ये वो गाकर हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोलकर जो अन्य भाषा बोलकर ये उधर उधर छलांग मारने से आराधना नहीं आएगी, वो एक्साइटमेंट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, वो एक्साइटमेंट आएगा, लोगों को एक इमोशन क्रिएट होगा क्योंकि साउंड का दबाव, डुब 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 साउंड लगेगा तो वो साउंड का प्रेशर हमें क्या करेगा, एक इमोशन सेटअप लेके आएगा। डिस्को में जाओ, तुम विश्वासी हो, दारू पीने के लिए मत जाओ, एक बार जाओ डिस्को में जाओ, जाकर देखो उधर की म्यूजिक तेरे को क्या करवाएगा, डांस नहीं आने वाला लोगों को भी डांस करवाएगा। क्यों? उधर का म्यूजिक ये सुनते वक्त तेरे अंदर क्या एक इमोशनल सेटअप आ जाता है, वो तेरे को क्या करेगा, डांस करवाएगा। एक घंटा क्या 10 घंटा भी डांस करेगा, डांस करके थक जाएगा फिर दारू पिएगा। वो है क्लब का सिस्टम, वो क्लब आज कलीसिया के अंदर आ गया, डांस बार बना दिए चर्च को, डिस्को डिस्को लाइट्स, डिस्को डिस्को गाने, लोगों को क्या कर रहे हैं, खाली घुटनों तक लेकर सिंचन करके भेज दे रहे हैं। उससे लोगों को वो उससे लोग तृप्त नहीं है। इसीलिए जो कोई भी वर्शिप आराधना की आराधना में लोगों को ले जा रहा है, नहीं तो आराधना आराधना की गानाएं गा रहा है, वो कभी भी किसी को लीड नहीं कर सकता। वो लोगों के साथ मिलना चाहिए। आज का तो वर्शिप लीडरों का बात बोलना ही नहीं चाहिए, वो गाएगा हालेलुया प्रेज लॉर्ड, पीछे वाले लोग अभी हाँ बोलते रहेंगे, वो हालेलुया तक गया होगा। अरे हम मिलजुल कर आराधना करना चाहिए, मेरा हृदय तुम्हारा हृदय के साथ मिलना है, कलीसिया के विश्वासियों का हृदय मिलना है, ताली मिलना है, स्तुति मिलना है, वो कुछ नहीं, बाकी सब कुछ डांस है, डिस्को डिस्को डांस है। और उसमें उतरने वाला पवित्र आत्मा की अभिषेक है ही नहीं। हेलो, ऐसे बोलने से तुम विश्वास नहीं करोगे। ये झूठ झूठ सच बोलने वाला मशीन सुने हो, साउंड ऑन करो, साउंड साउंड साउंड, अपना साउंड ऑन करो, म्यूट निकालो। सच बोलने वाला मशीन सुने हो, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसको मशीन लगाकर सच बुलवाएंगे। वो मशीन में क्या होता है, वो मशीन में कुछ तंत्र मंत्र शक्ति है क्या? फिर कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? जब झूठ बोलेगा वो मशीन की 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 आवाज देगा। क्यों?
वो मशीन में कुछ शक्ति सामर्थ है क्या? वो मशीन में कुछ शक्ति सामर्थ्य नहीं। वो मशीन को कहाँ, किसके साथ? शरीर के पल्स के साथ, नहीं तो शरीर के ब्लड 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 की जो फ्लो है उसके साथ उसको टच करके रखवाए हैं। एक दो, उसकी इमोशन को वो क्या करता है, कैप्चर करता है ब्लड से। जब ये व्यक्ति झूठ बोलेगा, ये ब्लड का अंदर का दबाव बहुत गहरी तरीके से बहना शुरू होगा। मेरे साथ हो, जब ये झूठ बोलेगा ये ब्लड, क्योंकि जब जब कोई भी पाप करता है उसके अंदर क्या होता है, एक भिन्नता आने लगता है। इसलिए वो मशीन वो ब्लड का फ्लो को कैप्चर कर लेता है। इसलिए बोलते हैं ये जो बोल रहा है झूठ। कितने लोगों का ये आंखों की रेटिना इधर उधर जाएगा। अगर झूठ बोलता है तो इधर उधर कभी भी सीधा नहीं देखेगा। ये सब साइकोलॉजी का एक पार्ट है। नर्सिंग पढ़ोगे नहीं तो साइकोलॉजी पढ़ोगे, ये सब पता चलेगा। क्या वो इमोशन को कैप्चर करके इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। तो एक सच बोलने वाला मशीन, सच बुलवाने वाला मशीन हमारा इमोशंस के ऊपर खेल सकता है, तो म्यूजिक सिस्टम हमारे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस ला सकता है, सोचो। इसीलिए जो कोई भी म्यूजिक मिनिस्ट्री में है वो बहुत बहुत प्रार्थना उपवास विनती का जरूरत है, क्योंकि वो एरिया किसका है, सातान का एरिया है। समझे नहीं? अगर वो व्यक्ति आत्मा पूर्णता में नहीं है, नहीं तो आत्मिक तौर पर अपना जीवन को स्टेबल करके नहीं रखा है, वो हमारा इमोशंस को क्रिएट करेगा, इमोशन को एक्साइटमेंट में लाएगा। बोलने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, इमोशन को क्रिएट करने से हमें लगेगा कि मेरे ऊपर एक पवित्र आत्मा उतर आ गया। नो, वो पवित्र आत्मा ने तेरा खून दौड़ा इधर उधर, तेरा एक्साइटमेंट को वो साउंड सिस्टम क्या किया, एक वाइब्रेशन क्रिएट किया। हो मेरे साथ? ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल वाला चीज है, इतना अच्छी। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर के सेवकाई में म्यूजिक हैंडल करता है, दे शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के बदले क्या इमोशंस को क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलने से तुम समझोगे नहीं। एयरटेल का जब पहले म्यूजिक आया, याद है कॉलर ट्यून, हर कोई सुनने के लिए पागल उपताऊ बन जाते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोगों का वाइब्रेशन को क्या करता है, हिलाता है, वाइब्रेशन नहीं सॉरी इमोशन को वाइब्रेट करवाता है, डिस्टर्ब करता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं म्यूजिक सुनता हूं तो मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। अरे वो तसल्ली नहीं, तेरे इमोशन पे मलहम लगा रहा है। गाना सुन, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा रिश्ता टूट गया इसीलिए मैं आजकल ज्यादा गाना सुन रहा हूं। पागल है वो, गाना सुने उसका इमोशन को वो क्या कर रहा है, गाना सूत कर रहा है, उसको एक अच्छा ठंडक लगने लगता है। वो नहीं है पवित्र आत्मा की सिंचन। हेलो, वो पवित्र आत्मा का सिंचन है ही नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर जब आएगा उसका इमोशन बॉडी सोल माइंड एवरीथिंग सब ऑर्गन भर जाएगा पवित्र आत्मा में। समझे नहीं? अरे इमोशन खाली तेरा हृदय का इमोशन को ही क्या करेगा, ठंडक दिलाएगा, तेरा कंप्लीट बॉडी को फिल नहीं करेगा इमोशन। इमोशन कैन नॉट फुलफिल योर बॉडी, बट होली स्पिरिट कैन फुलफिल योर बॉडी कैन। इसीलिए बपतिस्मा, जितना तू पानी के अंदर डूबेगा उतना पानी का सिंचन तेरा पूरा शरीर के अवयवों के अंदर जा सकता है। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। अरे एक मरा हुआ आदमी को पानी में डाल दो क्या होना लगता है, बोले नहीं। एक मरा हुआ आदमी को पानी में डाल दो उसको जान आएगा क्या? नहीं। 50 किलो का आदमी है 150 किलो बन जाएगा,
समझ रहे हो मेरी बात? 50 किलो का आदमी कितना बनेगा? 150। क्यों? 150 होने का कारण, उन्होंने खाना खाया क्या? मरा हुआ शव है, मरा हुआ व्यक्ति है, कुछ खाया क्या उसने? नहीं, वो कुछ खाया नहीं, मगर क्या किया? पानी की नमी उसके शरीर के अंदर प्रवेश होकर उसको क्या किया? मोटा बना दिया। द पावर ऑफ द वाटर, द एसेंस ऑफ द वाटर पेनिट्रेटेड इन टू द बॉडी ऑफ द डेड बॉडी। हेलो, इसीलिए 50 किलो का आदमी 150 किलो में। दैट्स द रीजन दैट 50 किलो मैन टर्न्ड इनटू 150 किलोस। व्हाई? उसका वो पानी की नमी उसके शरीर के एक एक अवयव के अंदर जाकर क्या किया? भर गया। वो इमोशन म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकता। चर्च में म्यूजिक की जरूरत है, मगर म्यूजिक ही आराधना नहीं होना चाहिए। वी नीड म्यूजिक फॉर वर्शिपिंग द लॉर्ड, बट म्यूजिक शुड नॉट बी वर्शिप। इसलिए वो मिनिस्टर, इसलिए मैं पहले ही मैं बोला, जो सेवकाई परमेश्वर तेरे को दिए हैं उस सेवकाई के बारे में यू शुड हैव ए ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। यू शुड बी श्योर अबाउट इट। व्हाट आम आई रिलीजिंग आउट? मैं क्या सेवकाई करके रिलीज कर रहा हूं? बाइबल में एक व्यक्ति है, कौन? बिलियाम। सुने हो? अति उन्नत परमेश्वर का सेवक है। उसका मिनिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिज मिनिस्ट्री? अरे जो व्यक्ति अभिषेक देना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरों को आशीष करना चाहिए, वो व्यक्ति उस सेवकाई को छोड़कर चूसिंग द नेक्स्ट लेवल। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, लूसीफर कभी भी परमेश्वर के निकट आराधना करके पैसा नहीं मांगा। मगर हमारे 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 चर्चों में, हमारे मीटिंगों में बहुत सारे लूसीफर लोग हैं, वो लोग म्यूजिक भी बजाएंगे, पैसा मांग कर भी लेके जाएंगे। हालेलुया! म्यूजिक भी बजाएंगे, पैसा मांग कर भी लेके जाएंगे। हालेलुया! वो उनके अंदर कौन सा लूसीफर है मुझे नहीं मालूम। अरे लूसीफर ने तो पैसा नहीं लिया यार, उसके 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 अंदर म्यूजिक का परिपूर्णता परमेश्वर कैसे रखे? अपना क्या बोलते हैं, विंग्स उठाता है तो म्यूजिक, चलता है तो म्यूजिक, हवा की नमी बजने से म्यूजिक। क्या सेटअप परमेश्वर किए, मगर वो पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लिया, मगर उससे भी घिनौनी चीज अंदर कर दिया। इसीलिए वो क्या बोलते, इसकेल के किताब में क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपनी कुर्सी बिठवाऊंगा। हालेलुया! वही है उसका, पैसा नहीं लिया ना, तो उसका गुण दिखा रहा है। हेलो, पैसा लेने से भी गुण दिखाओगे, पैसा नहीं लेने से भी गुण दिखाओगे? मेरे साथ में हो? इसलिए वो नहीं है, पवित्र आत्मा की सिंचन नहीं है। वो इमोशनली लोगों को क्या कर, पैम्परिंग, मलहम लगा रहे हैं। हाँ या ना? एक एक वीडियोस देखो, जो जो म्यूजिक वाले लोग बनाए हैं, क्या वो क्या करता है? कुछ किसी को एक 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 बूंद आंसू दिलवाता है? कोई भी ऐसा एक गाना है जो तुम्हें रोने के लिए, जो तुम्हें परमेश्वर के निकट से आने के लिए ही नहीं देता है, ऐसा कुछ है? कोई गाना है? बहुत कम गाने हैं। ऐसे कोई गाना है जो तुझे पाप करने के लिए प्रचोदन नहीं करता? तलकाली शांति की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी शांति की जरूरत, पूरी जिंदगी भरपूरी की जरूरत वो पवित्र आत्मा ही दे सकता है। इसीलिए सेवकाई से पहले व्हाट मिनिस्ट्री यू हैव, तेरे मिनिस्ट्री क्या है, वो पवित्र आत्मा से पूर्ण ही तू रिलीज कर रहा है कि नहीं।
चर्च के अंदर म्यूजिक मिनिस्ट्री की जरूरत है, नहीं आया नहीं बोल रहा, मगर लोगों का हृदय मन शरीर प्राण आत्मा पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की गाइडेंस में उतर आने के हिस्से में हमें क्या करना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए, वो एक मिनिस्ट्री है। नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूं, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं गलत है। अरे मूसा की सेवकाई क्या है, फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट, मिस्र देश से लोगों को लाकर आर मन प्राण शरीर को मिलाने के लिए मूसा ने कितना प्रयत्न किया, देखो कितना मूसा ने डेडिकेशन देने पर, कितना समय खर्चा करने पर, कितना अभिषेक प्राप्त होने पर, कितना पवित्र आत्मा की गहराई में उतरने पर दूसरे लोगों को आराधना की शैली सिखा सका। समझा, समझना चाहिए ये चीज, कितना समय देकर, कितना जीवन प्राण समर्पण करके उस श्रेष्ठता पाकर लोगों को वो दे रहा है। द थिंग विच यू रिसीव्ड विल बी द थिंग विच यू विल इम्पार्ट, जो तुम पाए हो वही तुम इम्पार्ट करोगे। अगर तू परमेश्वर से इमोशनल सेटअप पाया है तो तू रिलीज भी इमोशनल सेटअप ही करेगा। If you receive the Holy Spirit baptism, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा तू रिलीज पाया है तो इम्पार्ट भी तू पवित्र आत्मा की रिलीज ही करेगा। इसीलिए पौलुस और बाकी चेले क्या कहे, हमने उनके ऊपर हस्तार्पण किए, पवित्र आत्मा की शक्ति उनका उतर आया। क्यों आजकल के गाना गाते वक्त पवित्र आत्मा ऐसा उतर नहीं आ रहा है? म्यूजिक सिस्टम से तो हाथ क्या, लोगों के ऊपर हाथ तक नहीं आता। शुरू से लेकर आखिरी तक वही म्यूजिक सिस्टम पकड़ के धुड़ 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 बजाते रहते हैं, कभी भी उस पुलपिट से नीचे उतर आकर किसी के ऊपर हस्तार्पण नहीं करते। करते हैं कोई, कहीं भी देखे हो, अपना पुलपिट अपना डांसिंग एरिया, उससे एक कदम नीचे नहीं आएंगे। अरे तेरा सेवकाई वहां पे डांस करके म्यूजिक बजा के रुकना नहीं, म्यूजिक के माध्यम से तू पवित्र आत्मा को उतरवा दिया, वो तुझे मालूम, वो सेवकाई तुझे मालूम है। राइट मूवमेंट, ड्रॉप इट ऑफ देयर, गेट डाउन टू द क्राउड, लोगों के निकट उतरा, सबके ऊपर हस्तार्पण कर, पवित्र आत्मा की भर्ती आने दे। ये स्टेज शो नहीं है। हेलो, इट्स नॉट अ स्टेज शो। स्टेज शो के लिए जस्टिन बब्बर है, और कौन है, एलन वकर है, वो लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, पैसा भी लेते हैं और बहुत सारे भूतों को रिलीज कर देते हैं। समझ में आ रहे हो? माइकल जैक्सन जो डांस करता था वो कैसे करता था? साउंड ऑन। माइकल जैक्सन डांस कैसे ऑन कैसे करता था? अपने बॉडी को क्या, कितना डिग्री, 25 डिग्री, कैसा, ऐसा नहीं, ऐसा, हाँ, कैसे रुक सकता था? उनकी बीवी की एक इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था, वो सैटेनिक इन्फ्लुएंस में था, इसीलिए उसका मौत कैसे हुआ किसी को मालूम नहीं है, कैसा हुआ है? बोल रहे हैं मगर किसी को मालूम नहीं एक्चुअल रीजन क्या है। सब बोल रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी ज्यादा किए, मेडिसिन ज्यादा लिया, ओके, उसको कभी नींद नहीं आता था, उसको कभी नींद नहीं, माने उसको उसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस हो गया था। अरे एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा है मतलब उसका अंदर क्या है? बाइबल कहता है अपने सब भक्तों को परमेश्वर अच्छा नींद देते हैं, पढ़े हो वचन, अपने सब भक्तों को परमेश्वर क्या करते हैं, नींद देते हैं। तो नींद किसकी हिस्सा है, नींद किसकी हिस्सा है? परमेश्वर की हिस्सा है। इसलिए ना आदम को परमेश्वर क्या किए, एक अच्छा नींद दिए। आई एम राइट और रॉन्ग?
स्लीप इज ए पैटर्न विच इज बीन गिवन बाय आवर गॉड. परमेश्वर के द्वारा ही नींद मिलता है. अगर कभी नींद नहीं आता है तो परमेश्वर के निकट एक ही बात बोला, परमेश्वर तू मैं एक साथ नहीं सो, बिन सो के बैठ नहीं सकते. इधर तू सो नहीं तो मैं सोऊंगा, नहीं तो मैं सोऊंगा तू सो. समझे नहीं? अगर नींद नहीं आती है परमेश्वर के साथ एक डील रखो. बोलो परमेश्वर, परमेश्वर हम दोनों एक साथ बिन सो के नहीं बैठ सकते. अगर मैं सोता हूं तो तुम जगे रहो, अगर तुम जगे रहोगे तो मैं सोता हूं. दोनों जग कर रहना पॉसिबल नहीं है. इसलिए बाइबल क्या कहती है, प्रार्थना कैसे करने थे, जाग कर रह कर प्रार्थना करो. तो नींद नहीं आता है तो प्रॉब्लम किसका है? परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है. परमेश्वर के अदले बदले किसी और को तूने इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रहा है. लैक ऑफ स्लीप, वो मेडिकल टर्म में एक सिकनेस है, एक रोग है. और जो कोई भी रोग है वो शैतानिक है. मेरे साथ में हो? हेलो, मेरे साथ में हो? इसलिए उसको क्या, डांस 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 की पागलपन. शैतानिक शक्तियां उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता था, उसके द्वारा लोगों के ऊपर वो क्या करता है, डेविल स्पिरिट. अब ये रॉक गाना वाना सुने हो, वो लोग क्या रिलीज करते हैं, व्हाट आर दे रिलीजिंग, पागलों के समान सीडी खरीदने के लिए, गाना गाने के लिए मरते हैं. इट्स अटर हिपोक्रेसी, एक्टिंग, रिलीजिंग डेविल्स, ईविल स्पिरिट्स. वो पवित्र आत्मा की भर्ती है ही नहीं, वो पवित्र आत्मा की इंपोर्टेशन है ही नहीं. अंडरस्टैंड व्हाट मिनिस्ट्री गॉड गेव यू. तेरे को जो सेवकाई परमेश्वर दिए हैं उसको तू पहले पहचान. इसलिए पौलुस कहते हैं, मेरे को सेवकाई क्या दिए, बीज बोने के लिए दे. अपोलोस कहते हैं, मुझे बीज बोने के लिए नहीं, मुझे पानी देने के लिए, सिंचन करने के लिए परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री दिए है. रिसीव योर मिनिस्ट्री बिफोर यू वर्क फॉर द लॉर्ड. इसलिए पौलुस क्या कर रहे हैं, आई प्लांटेड, मैंने बीज बोया, अपोलोस ने बीज क्या किया, पानी दिया, परमेश्वर ने क्या किया, बढ़ोतरी दिया. अरे तेरा सेवकाई परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के होने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं. तेरा फायदा, तेरा फोटो, तेरा प्रोफाइल बढ़ने के लिए नहीं, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य का स्थापन, परमेश्वर की कलीसिया की वृद्धि, आत्मा की अभिषेक की पूर्णता, वो आना चाहिए. आई बाकी मन करते हैं परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं. हालेलुया, प्रेज यू जीसस. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज तेरे वचनों से हमने सुना परमेश्वर, तूने हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर. हमें जो सेवकाई दिया है उस सेवकाई को परिपूर्ण रीति से करने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर. पौलुस जैसा कहता है, मैंने बैरे परमेश्वर बीज बोया, बीज बोने से पहले उसे जमीन की परिस्कृति ली, वहाँ की कीचड़े फालतू फालतू चीज़ों को हटाकर शुद्धिकरण में लाने के बाद उसे जमीन को पूरी तरीके से परीक्षा लेकर, सुंधी लेकर उसे जमीन में उसने क्या किया, बीज को बोया. वो परमेश्वर की वचन है, वो आत्मा की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के वचन के शक्ति के द्वारा वो बीज बोकर गया परमेश्वर. कुछ दिनों के बाद उसके परिश्रम के हिसाब से वो बीज उग कर आया परमेश्वर. आज हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने बोया है उन सब चीजों को उग कर लाने के लिए परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य दीजिए. तेरे वचनों के गहराई से वो उग कराने के लिए, तेरी पवित्र आत्मा की भर्ती से वो उग कराने के लिए, अधिक अधिक फलपूर्ण बनने के लिए परमेश्वर ऐसे मिनिस्ट्री करने वाले सेवकों को हमारे जीवन में दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूं. वैसे मिनिस्ट्रियां हमारे जीवन में दीजिए परमेश्वर. जैसे अपोलोस अपने सेवकाई के हिसाब से वो पानी की सिंचन देता था, उसी रीति से परमेश्वर, परमेश्वर के वचन के सिंचन से अनेकों को सिंचित करने के लिए हमें सहायता दीजिए. पवित्र आत्मा की इंपार्टेशन लोगों को देने के लिए हमें उपयोग कीजिए बोल के प्रार्थना परमेश्वर. आज के ये वचन मनन में परमेश्वर आपने हमसे बात किया इसीलिए धन्यवाद देते हैं. आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन. Hallelujah.